कहानी संग्रह। जाने वो कैसे लोग थे। 1857 के क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश के अल्प चर्चित क्रांतिकारी क्रांतिवीरों की प्रेरणादायक कहानी का संकलन तथा द लेडी ऑफ टू नेशन लाइफ एंड टाइम्स ऑफ राणा बेगम बायोग्राफी। बेगम समरू का सच पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा वर्ष 2019-20 में पंडित महावीर प्रसाद मोदी सम्मान और 1,00,000 रुपये की सम्मान पुरस्कार राशि प्रदत्त। दुर्गावती गढ़ा की पराक्रमी रानी पर वर्ष 2021 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पांडे बेचन शर्मा उग्र सम्मान और ₹75,000 की धनराशि प्रदत्त। मुंबई की साहित्यिक पत्रिका कथा बैंक द्वारा कमलेश्वर स्मृति कथा सम्मान 2019 में के रूप में श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में सम्मान से पुरस्कृत। उत्तर प्रदेश सरकार की साहित्यिक पत्रिका जो जनसंपर्क विभाग की मैगजीन है यूपी गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश उसका नाम है, का 5 वर्ष तक संपादन किया। नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और लघु उद्योग मंत्रालय की पत्रिकाओं, प्रदेश सरकार के अधीन लखनऊ और आगरा में कार्य निष्पादन, राष्ट्रीय समाचार पत्रों साहित्यिक पत्रिकाओं में भी लेख और कहानियां प्रकाशित, शौकिया फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग, रेडियो वार्ताओं के प्रसारण में भी रुचि, सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से 2017 में उप निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे पास वैसे समय बहुत है लेकिन 5 बजे तक हमें ये कार्यक्रम समाप्त करना है, उसके बाद कोई एक और कार्यक्रम भी है बताने का भी 5:30। चलिए मैं हमारे डॉक्टर हेमराज कौशल जी से निवेदन करूँगा कि अब इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं, अग्रणी समीक्षक हैं, बहुत से पुरस्कारों से भूषित हैं और जितना अच्छा हिमाचल के लेखकों के बारे में लिख रहे हैं इन दिनों समकालीन समीक्षा और समकालीन आलोचना में जो इन्होंने अपने लिए एक स्पेस अर्जित किया है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए थोड़ी तालियाँ हो जाए। ये पुस्तक पर जो है सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद कुमारानंदन जी और उसके बाद टिप्पणी का जो टिप्पणियाँ करना चाहें उसमें रेखा वर्षित जी भी टिप्पणी करेंगे, मैं भी एक छोटी सी